एजेंडा, मैं हूं आपके साथ दीपाली। तो पाकिस्तान अपने जिस सफेदपोश चेहरे के पीछे साजिशों का ताना बाना बुनता है, वही चेहरा दुनिया के सबसे बड़े न्याय के मंदिर में बेनकाब हुआ है। वैसे झूठ झूठ होता है और सच सच। हिंदुस्तान के एक सच ने दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में पाकिस्तान को पटखनी दी है। पाक के झूठ का पुलंदा अब खुल गया है। भारत का भूषण बरकरार रहेगा। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया। उठ गया नापाक साजिश से पर्दा। भारत के भूषण पर झूठा कलंक। दुनिया के सामने पाक के झूठ की हार। हिंदुस्तान के सच की सबसे बड़ी जीत। कुलभूषण जाधव नहीं, ये देश की जीत है। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में पकड़ा गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ। इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले से साबित हो गया कि फरेब, झूठ और मक्कारी पाकिस्तान की रग रग में बसती है। दुनिया ने भारत के भूषण की फांसी पर रोक लगाकर पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है। बेशर्म पाकिस्तान पानी पानी हो गया है। तो भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर जीत हासिल की और ये साबित कर दिया कि जंग के मैदान से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी अदालत तक सच्चा हिंदुस्तान जीतेगा और झूठा पाकिस्तान हारेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पूर्व भारतीय नौसैनिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है और पाकिस्तान की हर चाल को नकार दिया जो वो दुनिया के सामने रख रहा है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव केस में दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने जब न्याय का हथौड़ा चलाया तो पाकिस्तान के परखच्चे उड़ गए। कुलभूषण जाधव को जासूसी के झूठे आरोप में फंसाकर फांसी की सजा सुनाने वाला पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बेनकाब हो गया। इंटरनेशनल कोर्ट ने अपने फैसले में कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी। That the government of Pakistan will take no action that might prejudice its alleged rights, in particular that it will take all measures necessary to prevent Mr. Jadhav from being executed before the court renders its final decision. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत की दलीलों को मानते हुए कहा कि जब तक अदालत का आखिरी फैसला नहीं आता तब तक पाकिस्तान कुलभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इस आदेश में किसी तरह की कोई अस्पष्टता नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम साफ है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और ये स्पष्ट है कि जब तक फैसला अंतिम फैसला नहीं आता अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का इस मामले में, तब तक श्री जाधव का जीवन सुरक्षित रहना चाहिए, ऐसा निर्देश कोर्ट ने पाकिस्तान को दिया है। आप लोगों को याद होगा कि विदेश मंत्री महोदया ने भारत के संसद को यह आश्वासन दिया था इस विषय पर बोलते हुए पिछले महीने कि सरकार वो सभी संभव कदम उठाएगी जिससे कि श्री जाधव के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सके, उनको उनके जीवन की रक्षा करी जा सके। आज उन्होंने ये आश्वासन जब ट्वीट किया है तो ये आश्वासन उन्होंने दोहराया है। बहुत बहुत अहम फैसला है। इस फैसले ने ये दिखा दिया कि सारी दुनिया और सारी दुनिया के न्यायाधीश और 15 न्यायाधीश की ये बेंच होती है, उसने दिखा दिया कि जो भी दलीलें पाकिस्तान ने रखी वो गलत थी। भारत कुलभूषण मामले में जिस सच को पहले दिन से दुनिया के सामने कह रहा था उसे पाकिस्तान अपने झूठ से छिपा नहीं पाया। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने यह भी कहा कि कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस मिलनी चाहिए।
यानी कुलभूषण को हर तरह की राजनयिक मदद मिले। हमारी संपूर्ण जीत हुई है और दो बातों पर हमारी बातों को मानी गई है। एक बात है कि काउंसलर एक्सेस और दूसरा है कि हैंगिंग पर स्टे ऑर्डर। आईसीजे ने कुलभूषण पर पाकिस्तान की झूठी और मनगढ़ंत आपत्तियों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान की दलील थी कि जाधव मामले में वियना समझौता लागू नहीं हो सकता, लेकिन आईसीजे ने कहा कि भारत और पाकिस्तान वियना समझौते से बंधे हुए हैं। आज भारत सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी हुई और पाक को इस तरह से फटकारा है कि मुझे लगता है कि पाक शायद ये हर बार सोचेगा कि किस तरह से झूठा हुआ काम आखिर एक्सपोज होता है। आईसीजे ने पाकिस्तान की दलील को नकारते हुए जाधव को भारत का जासूस मानने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है, जबकि सभी ने एक सुर में फैसले का स्वागत किया है। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का जो फैसला हुआ है, अंतरिम फैसला हुआ है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। और ये साबित हो गया है कि जो पाकिस्तान है वो एक रोग स्टेट है और जो हमारी कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उनको अभी उल्लंघन करती है। पाकिस्तान पर भारत की ये जीत ऐतिहासिक है। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो कुलभूषण जाधव पर आए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले का भारत सरकार ने स्वागत किया है। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने इसे देश की जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि फाइनल में भी हम ही जीतेंगे। दुआओं का हुआ असर और कुलभूषण जाधव की फांसी को लगी रोक। हमारे साथ विधि एवं न्याय मंत्री पीपी चौधरी मौजूद हैं। चौधरी साहब, भारत के लिए एक खुशी की ये खबर है और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो आज भारत के पक्ष में ये बयान आया है, जो प्रेशर बिल्डिंग की गई, जो मोदी की जो विदेश कूटनीति है उसके तहत आपसे भी कई बार कंसल्टेशन किया गया, ये पूरे प्रेशर बिल्डिंग के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ऐसा है कि कुलभूषण जाधव के मामले में उसके साथ इनजस्टिस हो रहा था। वियना कन्वेंशन के लिए भारत और पाकिस्तान अन्य देशों के साथ वो भी सिग्नेटरी हैं, तो उसमें साफ लिखा है कि किसी देश के नागरिक को अगर पकड़ा जाएगा तो उसकी सूचना देनी होती है। तो कुलभूषण जाधव के मामले में किसी तरह की सूचना नहीं दी गई और बिल्कुल ऐसी उसके खिलाफ में जो ट्रायल की गई, जो किसी को पता नहीं, किसी तरह की उसको वकील की मदद नहीं दी गई और उसका ये फांसी की सज़ा दी गई, जो बहुत ही किसी भी कोर्ट में, ये फिर कोर्ट नहीं कह सकते हम, ये जस्टिस की बात ही नहीं है। तो इस मामले में जब भारत को ये सारा पता लगा तो उसमें हमने काउंसलर एक्सेस की बात की, 16 बार रिक्वेस्ट की, लेकिन 16 बार एक भी रिक्वेस्ट जब नहीं मानी पाकिस्तान ने, तो फाइनली हमें मजबूर होकर करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये एप्लीकेशन देनी पड़ी। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एप्लीकेशन में बहुत हमारे सॉलिड ग्राउंड थे, बहुत ही हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हमारे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने बहुत इसमें एफर्ट्स किए और उनकी पूरी टीम जो है उसकी धन्यवाद के पात्र हैं। और पूरा का पूरा काम हमारे प्रधानमंत्री जी के सुपरविजन में हुआ, मैं इसके लिए भी पूरा देश जो है उनका ऋणी है और पूरा देश बहुत इस बारे में खुश हैं। तो जब वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला गया तो हमारे जो पॉइंट्स थे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, हमारे वकील हरीश सालवे जी ने बहुत ही अच्छी तरह से तर्क दिए और उन पॉइंट्स को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने रखा। उसी समय पाकिस्तान जो है वो उसका सारा का सारा पोल खुल गई जब उनके वकील ने जब पैरवी की, हमें पहले ही लग गया कि फैसला जो है भारत के पक्ष में आएगा, क्योंकि उन्होंने ज्यूरिडिक्शन के पॉइंट उठाए कि पाकिस्तान जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जो है वो क्षेत्राधिकार नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सारी बात सुनने के बाद जो इंटरिम डायरेक्शन दिया है, माना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वियना कन्वेंशन के तहत में क्षेत्राधिकार हैं, ज्यूरिडिक्शन है, वो इस मामले को सुन सकता है और ऑर्डर पास कर सकता है। और उसके बाद में देखा गया कि भाई प्राइमा फेसी केस जो है जिस हिसाब से भारत लेके आया है वो बनता कि नहीं बनता, कोर्ट ने माना कि प्राइमा फेसी केस बना और जाधव के साथ में इनजस्टिस हुआ है, तो इसलिए एग्जीक्यूशन पे उसकी फांसी की सजा पे रोक लगाई है। भारत में फिर बंधी उम्मीद और पाकिस्तान एक बार फिर हुआ बेनकाब। कैमरा पर्सन गौरव के साथ अदिति नागर, जी मीडिया, दिल्ली।
तो कुलभूषण जाधव पर सबसे बड़े फैसले के बाद देश में खुशी का माहौल है। जाधव के घर पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं और उनके चाहने वाले आतिशबाजी कर रहे हैं। भारत के सच की जीत। पाकिस्तान के झूठ की हार। हिंदुस्तान में बिंदी वाली रोशनी का त्योहार। भारत का भूषण सलामत रहे। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा, ये उसका जश्न है। दुनिया के सामने हिंदुस्तान के सच की जीत हुई, ये उसका जश्न है। हिंदुस्तान के लाल कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने झूठ के जिस जाल में फंसाया, उसका सच दुनिया के सामने है। इंटरनेशनल कोर्ट ने जाधव की फांसी पर जैसे ही रोक लगाई, देश में दिन में दिवाली मनाई गई। कोर्ट का फैसला आते ही पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। जगह जगह पटाखे फोड़ गए, मिठाइयां बांटी गई। खुशी इसलिए भी दोगुनी है क्योंकि न सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ने जाधव की फांसी पर रोक लगाई, बल्कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की साजिश भी बेपर्दा हो गई। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और ये पानी की तरह एकदम साफ हो चुका है कि ये केस एक नाजायज ढंग से वो गढ़ा गया था। चूंकि अब आईसीजे ने मान लिया है और सारी चीजें हो गई है, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये जल्द से जल्द अब कुलभूषण जी भारत लौटेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। देश के शहर शहर गाँव गाँव कुलभूषण जाधव के लिए दुआएं की जा रही। जाधव के जल्द भारत लौटने की उम्मीद देश के वासिंदों में जगी। नहीं, अभी तो हम आज कभी यहाँ पे फटाके फोड़ेंगे, लोगों को मिठाई खिलाएंगे। और हमको जो इंटरनेशनल कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसके ऊपर काफी पहले से विश्वास था कि जजमेंट हमारे सपोर्ट में ही आएगा करके। और पाकिस्तान ने जो झूठा रवैया अपनाया था वो उसका खेल खुल गया है आज। जहाँ पूरा देश कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगने से खुशी मना रहा है, वहीं पीएम मोदी ने भी इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से फैसला आने के बाद बात की। इसके साथ ही उन्होंने भारत का पक्ष रखने वाले और जाधव की जान फिलहाल बचाने वाले हरीश सालवे और उनकी टीम को बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने भी भारत के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। अब भारत के पास क्या विकल्प है, इसे जानिए। कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला भारत के पक्ष में आ चुका है। कोर्ट ने मामले में आखिरी फैसला आने तक जाधव की फांसी पर रोक भी लगा दी है, लेकिन वहीं पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले को पूरी तरह से नकार दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो आईसीजे के अधिकार क्षेत्र को नहीं मानता। पाकिस्तान ने एक बार फिर दोहराया है कि भारत को कुलभूषण का मामला आईसीजे तक लाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वियना संधि ऐसे मामलों पर लागू नहीं होती। पाकिस्तान की जिद के बाद अब भारत क्या करेगा, ये बड़ा सवाल निकलकर सामने आया है, जिसका जवाब हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान के अड़ियल रवैये के बाद अब भारत के पास सुरक्षा परिषद में जाने का रास्ता साफ है। संयुक्त राष्ट्र के संविधान के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र का हर सदस्य इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला मानने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर कोई सदस्य देश ऐसा नहीं करता तो दूसरा पक्ष रखने वाला देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मदद ले सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स की राय इस मामले में जुदा नजर आ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला घरेलू अदालतों के फैसले की तरह अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले सिर्फ तब तक ही मान्य होते हैं जब तक फैसले से जुड़े देश उस फैसले का पालन करना चाहें। ऐसे में अगर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय अदालत के इस फैसले का पालन नहीं करता है तो सुरक्षा परिषद में जाकर भारत अपने पड़ोसी पर प्रतिबंध की मांग कर सकता है। इसके अलावा भारत
अपने अधिकार क्षेत्र के तहत भी कुछ कदम उठा सकता है। वो पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंधों पर पुनर्विचार कर सकता है। ऐसे में अब देखना यह है कि पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले पर अगला कदम क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने मुंह की खानी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। इस केस में भारत की जीत के हीरो रहे सीनियर वकील हरीश सालवे, जिनकी बेबाक और बेजोड़ दलीलों ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कैसे हरीश सालवे ने पाकिस्तान को मात दी और कौन है हरीश सालवे, इस रिपोर्ट में देखिए। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पाकिस्तान को करारी पटखनी मिली है। पाकिस्तान को ऐसा जोर का झटका लगा है कि वो किसी लायक नहीं बचा है। पाकिस्तान को मिली इस सबसे बड़ी हार के पीछे एक शख्स है और वो है सीनियर लॉयर हरीश सालवे। हरीश सालवे ने अपनी दलीलों से अंतर्राष्ट्रीय अदालत के सामने पाकिस्तान का झूठ बेनकाब कर दिया। तो आपको बताते हैं हरीश सालवे है कौन। इंटरनेशनल कोर्ट में कुलभूषण जाधव के मामले में भारत का पक्ष रखने के लिए हरीश सालवे को नियुक्त किया गया था। आमतौर पर देश के सबसे महंगे वकीलों में गिने जाने वाले हरीश सालवे ने इस केस के लिए सिर्फ एक रुपए की फीस ली थी और एक रुपए ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। हरीश सालवे संवैधानिक और कॉमर्स मामलों के जानकार वकील हैं। सालवे साल 1999 से 2002 तक भारत के सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। हरीश सालवे हाई प्रोफाइल केसों की पैरवी करने के लिए जाने जाते हैं। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच हुए गैस विवाद में हरीश सालवे ने ही मुकेश अंबानी का पक्ष रखा था। इस केस में हरीश सालवे सीनियर वकील राम जेठमलानी पर भारी पड़े थे। सलमान खान की केस भी हरीश सालवे ही लड़ते हैं। हरीश सालवे ने एक रुपए में पाकिस्तान को धूल चटा दी, लेकिन सालवे हमेशा एक रुपए में केस नहीं लड़ते। हरीश सालवे हर दिन के 30 लाख रुपए फीस चार्ज करते हैं। अकेले मुकेश अंबानी के केस में ही उन्हें 15 करोड़ की फीस दी गई थी। हरीश सालवे अपनी शानदार जीवन शैली के लिए भी जाने जाते हैं। लॉन्चिंग के 48 घंटे के भीतर एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट हरीश सालवे के पास होता है। हरीश सालवे को बेंटले चलाना पसंद है और पियानो बजाने का शौक है। शॉपिंग के लिए लंदन और दुबई जाना उनके लिए बेहद आम है। हरीश सालवे देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक है, लेकिन इस बार उन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान के झूठ की पोल सबके सामने खोल दी। सबसे बड़ी बात, इसके लिए उन्होंने सिर्फ एक रुपए की फीस ली और इसके बाद पूरा देश सालवे को सलाम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि इस मामले में कब कब क्या हुआ। 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान का दावा था कि वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के एक एजेंट हैं, जबकि भारतीय नागरिक जाधव कानूनी तौर पर ईरान में अपना व्यापार करते थे। पिछले साल जाधव के कथित कबूलनामे का एक वीडियो भी पाकिस्तान ने जारी किया था। मीडिया रिपोर्ट्स में इस वीडियो पर सवाल भी उठाए गए थे। वीडियो के सामने आने के बाद दावा किया गया कि 358 सेकंड के इस वीडियो में 102 कट थे। कई जानकारों ने दावा भी किया कि जाधव से मजबूरन आरोपों को कबूल करवाया गया है। कथित वीडियो में जाधव ने ये कहते देखे गए कि वो दिसंबर 2001 तक भारतीय नौसेना में रहे। इस वीडियो में जाधव से ये भी जबरन कबूल करवाया गया कि वो 2013 में रॉ में शामिल हुए थे। भारत सरकार ने कथित वीडियो और पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। हालांकि भारत सरकार ने इस बात को कबूला था कि जाधव भारतीय नागरिक हैं और भारतीय नौसेना में काम कर चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक जाधव कानूनी तौर पर ईरान में अपना व्यापार करते थे। उन्हें जबरन हिरासत में लेकर परेशान किया गया।
भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया और पाकिस्तान ये बताने में नाकाम रहा कि वो पाकिस्तान कैसे पहुंचे। भारत ने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के अफसरों की जाधव से मुलाकात करवाने की 16 बार इजाजत भी मांगी, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने भारत की मांग को हर बार ठुकरा दिया। जासूसी का दोषी मानते हुए पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने 10 अप्रैल को जाधव को फांसी की सजा सुनाई। 11 अप्रैल को भारत के गृह मंत्री और विदेश मंत्री ने संसद में कुलभूषण जाधव को वापस लाने का दावा किया। इसके बाद मामले को भारत अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक लेकर गई।